हेलो फ्रेंड्स, आज है 28 में और तेजस अपना पढ़ाई कर रहा है। मैम का दिया हुआ होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद हम लोग दूसरे वाले घर पे गए हैं और वहाँ पर तेजस ने अपना सारा खिलौना फैला दिया हुआ है, तो दोनों मिलके खेल रहे हैं और बदमाशी कर रहे हैं। दोनों में से किसी को भी खाने खाने का याद नहीं है, तो दोनों अपना खेलने में मस्त हैं। तेजस हॉर्न लेके बजा रहे हैं, तो कृषि को भी छोटा सा हॉर्न मिल गया है, वो भी लेके उसे बजाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बज गए हैं 4 और मेरे पास कच्चा आम था। कच्चा आम का मैंने सोचा आम पना बना लूँ, तो कुकर में एक सीटी में आम को उबाल लिया हुआ है और अब इसका पल्प निकाल दूँगी। मुझे आम पना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जैसे ही आम मिलता है तो मैं सोचती हूँ उसका आम पना बना लूँ। अगर आम कम रहे तो आम की चटनी बन जाएगी, आम ज़्यादा रहे तो आम पना बनेगा। और यहाँ पना बनाते बनाते कृषु भी जग गए हैं, तो कृषु को मैंने ज़मीन पे कर दिया है, क्योंकि अगर मैं उसे बिस्तर पे करूँगी तो फिर वो नीचे गिर जाएगा, तो ज़मीन पे ही मैं उसे कर देती हूँ। सुबह मैं ज़मीन में झाड़ू और पोछा दोनों लगा देती हूँ, उसके बाद मैं उसको फ़र्श पे लिटा देती हूँ, जिससे कि अगर फ़र्श पे अगर कुछ भी गिरा तो वो कुछ खाए ना। और यहाँ आम पने के पल्प में मैं डाल रही हूँ सादा नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और चीनी। चीनी में थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, यहाँ मेरे पास पुदीना पत्ता नहीं है तो मैं वहाँ नहीं डाल रही हूँ। और अब पानी डाल के इसका एक मिक्सचर तैयार कर ले रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कृषु नीचे खेल रहे हैं ज़मीन पर आराम से, ज़मीन साफ़ है, क्योंकि रोज़ पोछा लगाना पड़ता है। अगर वो टॉयलेट कर दे तो दोबारा पोछा लगाना पड़ता है। और तेजस भी कमरे में सो रहे थे, तो देखे होंगे उठ के कि मम्मा और कृषु दोनों नहीं हैं, तो उनको अकेले नींद नहीं आया, तो वो उठ के आ गए मेरे पास, यहाँ देख सकते हैं। और अभी भी उनको नींद आ रही है, तो मेरे ख्याल से ये फिर से सो जाएंगे। और अब कृषु को देख सकते हैं, वो नीचे खेलते खेलते बोर हो गए, तो वो टेबल पकड़ के खड़े हो रहे हैं ये देखने के लिए कि मम्मा क्या कर रही है। उनकी बदमाशी देख लीजिए, पेपर वगैरह टेबल में से निकाल निकाल के फैला रहे हैं, देख लीजिए। तो इन दोनों भाइयों का बस यही काम है, पूरा सामान निकाल निकाल के फैलाना, और दिन भर मुझे रखना पड़ता है, कभी इधर रखो कभी उधर रखो, बिस्तर पे किया तो बिस्तर पे फैलाएंगे, ज़मीन पे किया तो ज़मीन पे फैलाएंगे। तो यहाँ देखिए तेज फिर से सो गए हैं और मैं अभी तक आम पना ही बना रही हूँ, क्योंकि इन दोनों को भी देखना पड़ रहा है बीच बीच में। तो यहाँ पर मेरा आम पना भी पूरा बन के तैयार हो गया है और अब मैं इसे फ्रिज में डाल दूँगी थोड़ा सा चिल होने के लिए, उसके बाद हम दोनों इसे पियेंगे। तो यहाँ पर कृषु बदमाशी करते करते थक गए थे, तो मैंने उनको एक बैलून दे दिया, वो बैलून देख के बड़ा खुश हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं बैलून उनको मिला और वो बैलून के पीछे पीछे निकल दिए हैं। कृषु बैलून लेके इतना तेज़ उसे प्रेस करते हैं कि उसको फूटने का नौबत आ जाता है, इसलिए जो सबसे बड़ा वाला बैलून रहता है उसे बहुत छोटा सा ही फुला के देती हूँ कि जल्दी फूटे ना। वो बड़ा ज़्यादा जब दम लगाते हैं तब फूट जाता है। तो ओहो, कृषु का बैलून फूट गया और वो रोने लगे। तो यहाँ पर कृषि को चुप कराने के बाद मैं चिल्ड आम पना ले आई हूँ और बज रहा है 5, तो 5 बजे मैं आम पना ले आई हूँ। और चिप्स आया था तेजस का, तो वो चिप्स भी ले आई हूँ, क्योंकि तेजस ऐसे आम पना पियेंगे नहीं, तो यहाँ पर चिप्स के साथ ही आम पना पियेंगे। और यहाँ पर उनका ये फेवरेट कप है जिसमें लाइट जलता है, तो ये इसी कप में पीते हैं। तो मैंने यहाँ पर उनके लिए इसी कप में आम पना ले आया है। तो यहाँ पर हम दोनों के लिए तो आम पन्ना और चिप्स था, लेकिन कृषु के लिए कुछ भी नहीं था। तो कृषु रोते या फिर चिप्स खाते तो इससे अच्छा था कृषु के लिए आटा बिस्किट ही ले आऊँ, कि कम से कम वो बिस्किट में मस्त रहेंगे, ये सोच के कि ये वही चीज़ है जो मम्मा और भैया खा रहे हैं, क्योंकि इनको अपना चीज़ पसंद नहीं आता है, दूसरे का चीज़ ही पसंद आता है। इनको खिलाने के लिए भी बड़ा ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है, खूब पचाना पड़ता है तब ये खाते हैं। ये देख लीजिए इनका चेहरा, देख रहे हैं कि वही खाया जा रहा है कि नहीं। तो अब मुझे काम याद आ गया है, मुझे काम करना है, तो मैंने कृषु को वहीं लेटा दिया और तेजस से बोला इसे देखते रहो और मैं जा रही हूँ काम करने। तो यहाँ देख सकते हैं तेजस और कृषु में लड़ाई छिड़ गई है, दोनों चिप्स खाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो सारा काम कंप्लीट हो गया है और अब खाना ना खाने के बाद बज गए हैं 11, तो तेजस यहाँ पर डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कृषु सो गए हैं, तो तेज देख देख के डांस कर रहे हैं और मुझे भी नींद आ रही है, क्योंकि सुबह से काम करते करते मैं भी थक जाती हूँ। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ ब्लॉग को ख़त्म। तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।